तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, और एडवांस एक्सेल वर्किंग प्रोफेशनल्स में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इसकी डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ाया था। अब कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर डेटा को हाईलाइट करना, ठीक है सर? किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाव पे डेटा को हाईलाइट करना इट्स अ कंडीशनल फॉर्मेट। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। और रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है आप? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। हाँ सर, कर दिया रिकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास डेटा है, हम इसी डेटा के ऊपर अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। कंडीशनल मतलब नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करते हैं तो जहां मर्जी वहां आपने कलर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सेल वैल्यू में क्या टाइप है। पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कि किसी कंडीशन के बिहाफ से मैं चाहता हूँ कि जो ग्रेटर देन 1000 वो हाईलाइट हो जाए, क्योंकि ग्रेटर देन 1000 किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें शो करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे हाईलाइट सेल्स भी है हाईलाइट सेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कई सारे कैटेगरीज है, उसके हिसाब से ग्रेटर देन 1000 आप देख रहे हाईलाइट हुआ, लेकिन हाईलाइट जो हुआ डिफॉल्ट कलर से हाईलाइट हुआ। तो आप अपने हिसाब से कलर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप येलो रेड लेना चाहते हैं या ग्रीन लेना चाहते हैं या राइट लेड लेना चाहते हैं या रेड टेक्स्ट लेना चाहते हैं या रेड बॉर्डर लेना चाहते हैं। इनके अलावा कोई और फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब का फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं, राइट? और ये आपका डेटा हाईलाइटेड रहेगा और ये होगा ऑटोमेटेड होगा। जैसे मान लीजिए कि 800 है, अब कल के डेट में 1200 हो जाएगा या मान लीजिए 1100 हो गया तो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ये 1500 है, कल के डेट में 500 हो जाएगा तो इसकी हाईलाइटिंग हट जाएगी, फॉर्मेटिंग हट जाएगी। मतलब कि कंडीशन सिर्फ एक बार अप्लाई नहीं होता है, ये आपका कंटिन्यूअस रहता है, वैल्यू को अपग्रेड होने पे या वैल्यू चेंज होने पे वो अपना फॉर्मेट चेंज कर लेता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेन मोटिव समझ में आ गया दीपेंद्र भंडारी जी? सर ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसी तरह से ग्रेटर देन है, देन लेस देन है, बिटवीन है, मतलब कि किसी वैल्यू से बड़ा, किसी वैल्यू से छोटा और फिर दो वैल्यू के बीच में आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अब जो ये ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन है, इन तीनों में आप जो है नंबर डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। जैसे कि डेट है, आप चाहते हैं किसी डेट से ओल्डर डेट को हाईलाइट करना तो यहाँ पे आप जैसे मैंने ग्रेटर देन दे दिया, देखिए ये हो गया ना 16/1/2019 के बाद का डेट हाईलाइट कर, हो गया। इस तरह से अपनी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। बट इक्वल टू जो होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए मुझे 60 को हाईलाइट करना तो यहाँ पे हम जाएंगे इक्वल टू और 60 कर दिया तो 60 हाईलाइट होगा। यानी मान लीजिए मुझे जो है जिम्बो को हाईलाइट करना है तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया
हाईलाइट हो गया। अब जैसे कि मेरा मान लीजिए कि सिटी है, मान लीजिए रीजन है ना, रीजन। अब रीजन में कहीं पे दिल्ली डला हुआ है और कहीं पे हमारा नहीं वो दिल्ली डला हुआ। अब हम इक्वल टू अरेंज करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सेल वैल्यू में हम इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू में हमने दिल्ली दिया तो अब देखेंगे कि न्यू दिल्ली को हाईलाइट नहीं किया, और हम न्यू दिल्ली देते हैं तो दिल्ली को हाईलाइट नहीं करेगा। बट यहाँ पे दिल्ली और न्यू दिल्ली बोला तो सेम। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन दिख रहा आपको, टेक्स्ट दैट कंटेन पे जाएंगे और इस पे हम दिल्ली लिखेंगे और हमारा दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, तो टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करता है, टेक्स्ट दैट कंटेन करता है ये आपका इस पे रहता है, मतलब कि कंटेन पे चलता है, या आपका कोई कंटेन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो टेक्स्ट दैट कंटेन समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे अगर आपको लगता है कि किसी फील्ड में कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, जो वैल्यू मोर देन वन टाइम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा सर। हाँ बोलिए सर। जैसे हम तो ये अभी मतलब इसको और उसमें देख रहे हैं ना, वर्टिकल में। हाँ हॉरिजॉन्टल भी चलेगा। अच्छा, तो बस हमें नाम छापना है तो। अच्छा, ये देखिए 50 डबल टाइम है ये, यहाँ 50 और 30 दो डबल टाइम दिख रहा है आपको। ठीक है, और इससे कोई मतलब उसको नहीं है कि नेम है या क्या है, इसका ये है कि भाई सेल वैल्यू पे चलता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो डेट एंड टाइम हो। अच्छा, वो दोनों पे परफॉर्म करता है। ठीक 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 है। डाउट इसमें सर? सर जैसे अभी मैं एक चीज, जैसे मैं एक जैसे यहाँ पे सिमो, ये जहाँ पे नेम मेंबर ऑफ नेम लिखा है ना टीम के बगल में, जैसे ब्रैसो, जोनो, सिमो, लाइनो, ये लिखा है ना ग्रेशियो, अगर इसको हम इसका हम उसमें वर्टिकल में देखना चाहते हैं तो इसका नाम डालते हैं पूरा वर्टिकल में आ जाएगा क्या ऐसे? हाँ ट्राई कीजिएगा, आज हमें तो चाहिए। अच्छा ठीक सर, एक डेमो दे दो सर। क्या वर्टिकल समझ नहीं आ रहा, क्या वर्टिकल चाहते हो, मतलब कि ये नाम आपका यहाँ पे ना डाल के आगे आप चाहते हो कि ये नाम आपका इस तरह से होगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, इस तरह से होगा। नहीं, प्रीवियस सीट में जाना सर, जैसे मतलब कहने का मतलब हमारे पे कहीं पे जैसे आपको पता होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है। अच्छा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है। अच्छा, डॉट एक्सेलेस फॉर्मेट है क्या? इस तरह से बोल रहे आप? हाँ सर। हाँ तो मैंने बताया ना आपको, आप कंडीशन फॉर्मेटिंग दोनों वे में लगा सकते हैं। तो इसमें सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा सर? हाँ, सिलेक्शन तो करना पड़ेगा, जो एरिया आप सिलेक्ट करोगे उसी एरिया पे जाएगा। अच्छा सर, जैसे आप प्रीवियस सीट में जाना सर, एक बार दोबारा क्या पिछली वाली सीट में, या आपने जो फर्स्ट सीट है ना उसमें जाना सर, डाटा वाले में। हाँ, अभी सर जैसे ये पूरी सीट है, इसको हमने जैसे मतलब पूरा सिलेक्ट कर लिया और हम ये 12 नंबर पे जो लाइनो है इसका पूरा प्रोडक्ट कितना, इसका टॉक हुआ है, टॉक टाइम, होल्ड, ये पूरा एक उसमें जैसे किसी का बंदे का ढूंढना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज ब्राइसो किसी का भी, आप चाहते हैं कि सेम रिकॉर्ड कहीं पे है, डुप्लीकेट तो नहीं है बोलना चाहते हैं ना? जैसे लेट्स सपोज आप मेरे बॉस हो। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि चलो निकालो जोनो को पता करो कि उसका
रीजनल आवर कितना हुआ, टॉक कितना हुआ, सेल कितना हुआ, रेवेन्यू कितना है पर रेवेन्यू कॉल एक्सपेंस, ये पूरा एक वीलुकअप से पता चलेगा, वीलुकअप फार्मूला। अच्छा अच्छा वो दूसरा। अच्छा सॉरी ठीक, ये आपको हाईलाइट करना सिखाते हैं कि किसी पर्टिकुलर ओके सॉरी पे हाईलाइट कैसे करेंगे हम आपको सिखाते हैं। ठीक है सर, ठीक है आगे समझ। ओके ठीक है आगे बढ़े। हाँ सर हाँ सर आगे सर। तो इसमें आपने देख लिया कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट विद कंटेन, डेट, ओपनिंग क्या क्या है, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं? टॉप एंड बॉटम क्या है? मैं बता रहा हूँ हाईलाइट तो आ गया सर। हाईलाइट में भी समझ में आ गया आप टॉप बॉटम क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि हम, मुझे पता करना है कि सबसे टॉप 10 हाईएस्ट कॉलर कौन कौन है, समझे? तो कंडीशनल मोमेंटिंग में जाएंगे सेल्स वैल्यू में और यहाँ हम देंगे इस पे टॉप बॉटम में और टॉप 10 या टॉप 15 या टॉप 100 जो भी है यहाँ पे नंबर डाल के हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, टॉप 20 या टॉप 30 ऐसे हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा क्लियर है सर। आगे बढ़े सर। ऐसे हम आप यहां पे बॉटम है तो यहां पे आप बॉटम 10 हाईलाइट कर सकते हैं। एक इसमें अभी टॉप 10 परसेंटेज आ रहा होगा, बॉटम जो परसेंटेज ये परसेंटाइल फॉर्मूले के साथ होता है, जब आपको परसेंटाइल फॉर्मूले समझाएंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है अबव एवरेज, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसमें एक एवरेज है, एवरेज पता है ना सर एवरेज क्या होता है? हाँ सर जो मूवमेंट है। तो एवरेज में आप चाहते हैं कि एवरेज से बड़ा हाईलाइट हो जाए और एवरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, तो अबव एवरेज हम करेंगे तो इस सिलेक्टेड सेल में इसका एवरेज उसने 356 को कैलकुलेट किया है, देखिए दिख रहा है ना, और 356 से जो बड़ा था उसको हाईलाइट कर, और कल के डेट में अगर वैल्यू चेंज करते हैं जिससे आपका एवरेज चेंज होता है तो ये अपने आप को भी चेंज करता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हो गया हमारा, इसमें अबव एवरेज के बाद आता है बिलो एवरेज, बिलो एवरेज पे क्लिक करेंगे तो जो एवरेज से बिलो होगा वो आपको हाईलाइट होगा। ठीक है, तो ये आपका टॉप बॉटम समझ में आ गया, अबव एवरेज बिलो एवरेज।
बाद इसमें आता है डेटा वाला। अब जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि भाई सबसे मतलब कि 500 जो है टॉपर में है या 355 बॉटम टॉपर, क्या अभी पोजीशन क्या है, तो इसका चार्ट वगैरह तो नहीं बना सकते ना सर कंपेयरिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है। तो डेटा बार हम लगा सकते हैं, डेटा बेस में बार क्रिएट कर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए जिससे जिससे मेरा बार बढ़ रहा है, डेटा बार का रोल क्या होता है, इसका यूज हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह में चीज को समझने के लिए करते हैं या डेटा रिपोर्ट्स में। अच्छा, कि आखिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या पोजीशन वगैरह है। कलर स्केल पे डेटा बार की तरह ही काम करता है, वो कलर से इंडिकेट करता है, लोअर है तो रेड, मिडल येलो एंड हायर ग्रीन। अच्छा, देखिए इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से हम आइकन से पता कर लेते हैं कि बॉटम टॉप बॉटम मिडल टॉप या फिर बॉटम मिडल बॉटम टॉप बॉटम एंड टॉप, ठीक है, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं आइकन। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वार्टर वन है क्वार्टर टू का से, तो क्वार्टर वन में आपने 65 सेल किया है, क्वार्टर टू में आपने 67 सेल किया है, क्यों ज्यादा कौन किया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंपेयरिंग निकालते थे। तो कंपेयरिंग निकालने का सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पे हम इसका यूज करें, एक मिनट सॉरी सर। तो आइकन सेट का यूज समझ में आ गया आपको सर? सर सर देखिए इनके ये जो जो चीजें आपको दिख रहा है इनके अलावा भी मोर रूल्स या न्यू रूल्स है। तो जैसे आप देख रहे हैं ग्रेटर देन है बट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन है लेकिन लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो आप इसमें मोर रूल्स में आ जाइए, ठीक है, मोर रूल्स में आ जाइए। इस मोर रूल्स में आपको सारा मिलेगा, यहां देखिए ग्रेटर देन बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन सब दिख रहा है ना। तो बाहर जो मोस्ट यूजेज है लेकिन यहां पे आपके पूरी है। उसके अलावा यहां भी चेंज करें टेक्स्ट, तो बाहर आपने टेक्स्ट दैट कंटेनिंग देखा था, यहां आपको नॉट कंटेनिंग है, बिगेन बीथ है एंड बीथ है, बिगेन भी समझे। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम की स्पेलिंग बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग SUJIT लिख देते हैं, कुछ लोग कुछ और लिख देते हैं, समझ गए ना। तो उस केस में हम SUJ कर दिए, भाई IT लिखे जाए EET लिखे, स्टार्टिंग में हमारा SUJ होना चाहिए। तो ऐसे फीचर्स लगा सकते हैं और फॉर्मेट के लिए क्लिक करें, अपना फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करें, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ब्लैंक नो ब्लैंक एरर नो एरर ले सकते हैं, बाकी टॉप बॉटम नॉर्मल। अब आता है फॉर्मूला,
कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके हाईलाइट करना हो, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो अकाउंट नंबर है इसमें कोई टैक्स ना लिखे, इसमें जो भी लिखेगा नंबर्स में जाएगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि नंबर या टेक्स्ट है? ये आपके पास फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का, इज टेक्स्ट मैंने फॉर्मूला को सिलेक्ट करके एंटर मारा तो ट्रू दिखाएगा, मतलब कि फॉल्स दिखाएगा तो टेक्स्ट नहीं है, ट्रू दिखाएगा अगर हम इसमें टेक्स्ट एंट्री करते हैं। तो अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे तो सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे, अभी तक तो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेते थे ना, पर फॉर्मूले के केस में हम सिंगल सेल सिलेक्ट करें। यहाँ पे आते हैं न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला और यहाँ पे हमने दिया इक्वल इज टेक्स्ट राइट ओपन और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया सर, और इसकी डॉलर साइन हटा दीजिए। एन ओके एन ओ, अभी इसको फॉर्मेट पेन से लूंगा और नीचे तक पेन कर लूंगा, जैसे मैं इसमें नंबर टाइप करूंगा ठीक है, जैसे मैं यहां पे टेक्स्ट टाइप करूंगा वो हाईलाइट होगा राइट सर। वंदना जी समझ में आया? समझ में आ रहा है सर? सर सर हल्का उसी तरह से आप फॉर्मूला वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मिनट एक और दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं मेरा कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है जो कि मैं यहाँ निकालता हूँ, ठीक है मैं चाहता हूँ सर्च, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई सर्च करे, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ले दिया, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ 30 लिखूं कि यहाँ जहां 30 या 90 है हाईलाइट है, इसके लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि हम इक्वल टू करते हैं ना, यहाँ पे हम 90 लिख सकते हैं मैनुअल, बट मैं चाहता हूँ मैनुअल ना लिखे किसी सेल से लिंक हो जाए ताकि इसको भी किसी सेल से लिंक कर सकते। अब मैं यहाँ पे 80 करूंगा तो 80 हो जाएगा, 70 करूंगा 70, 75 समझ गए सर? सर अब बट इसमें हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, बट हमने अभी तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को नहीं पढ़ा, तो फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं राइट। तो अगला हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टर का टॉपिक है राइट, जो कि हम आज रात में 8 बजे करेंगे अगर तो स्मैन जी कनेक्ट किए तो, 9 बजे हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है तो मिलते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके बाय बाय।